नमस्कार, मैं महेंद्र हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही अच्छे कवि से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जब पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो होते हैं रूबरू पंकज जी से। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों लीजिए, मैं आपको एक गीत से सीधा सीधा जोड़ रहा हूँ और ये गीत मैं कवि धर्म का पालन करते हुए ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कवि किन किन परिस्थितियों में कविता करता है? मित्रों, मेरा ये मानना है, हम सभी का ये मानना है, कहावत भी है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये मानना है हम सबका कि कवि जो दिखता है वही लिखता है। मेरे इस गीत में भी मैंने उन सभी स्थितियों, विकट परिस्थितियों का वर्णन किया है जिन जिन को देखकर कवि रह नहीं सकता, उसकी कलम उठती है और वो कविता करता है और देश, समाज और साहित्य को नया मोड़ देता है। एक गीत प्रस्तुत है मित्रों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आँखों का मन से जब उतार तम्य हो जाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। आँखों का मन से जब उतार तम्य हो जाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। पहला बंद देखिए, कवि कब कलम चलाता है, कब कविताएं लिखता है, किन किन परिस्थितियों को देख करके, किन किन दृश्यों को देखकर वो द्रवित हो उठता है और लेखनी के माध्यम से एक कविता जन्म ले लेती है। मैं प्रथम बंद पढ़ रहा हूँ। मस्त हो मौसम या हरियाली, मस्त हो मौसम या हरियाली, झूम उठे जब डाली डाली, झूम उठे जब डाली डाली, कूक रही हो कोयल काली, कहीं नाय का हो मतवाली, कहीं नाय का हो मतवाली। सावन जब खुशहाली का मल्हार सुनाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। आगे देखिए, कब कवि कविताएं लिखता है, कब उसकी कलम चलती है, कब उसकी लेखनी चलती है। बढ़ जाते जब भ्रष्टाचारी, या कहीं व्यथित देखता नारी, रिश्वत खोरी चोर बजारी, आतंकित हो जनता सारी, जब अन्याय बढ़े भारी, आवाज उठाता है कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। आगे ध्यान दें, सुने। जब लड़ते हैं भाई भाई, कहीं बिलखती दिखे माई, जीत होए या पीठ दिखाई, बाजे बिगुल चाहे सहनाई, बागे बाजे बिगुल चाहे सहनाई, सीमा पर जब वीर सिपाही, सीमा पर जब वीर सिपाही शीस चढ़ाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। अंतिम स्पर्श आप ध्यान दें। रीत नीत रह जाए अधूरी, रीत नीत रह जाए अधूरी,
मर्यादा मिट जाती पूरी, मर्यादा मिट जाती पूरी। बड़े बड़े मानवों में जब दूरी, बड़े मानवों में जब दूरी, लिखना उसका बहुत जरूरी, लिखना उसका बहुत जरूरी। प्रखर यही कवि की मजबूरी, प्रखर यही कवि की मजबूरी, खुलकर गाता है कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। आँखों का मन से जब तार तम्य हो जाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है, कवि तब कलम चलाता है। हमने सुना पंकज जी को, आइए जानते हैं इनका परिचय। मित्रों नमस्कार, राधे राधे, जय मां शारदे। मैं पंकज पाराशर प्रखर, निवासी तहसील कामा, जिला भरतपुर राजस्थान, आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों मेरी जन्मतिथि 3 जनवरी 1980 है। मैंने मेरी सेकेंडरी परीक्षा सन 1996 में उत्तीर्ण की, तत्पश्चात सन 1998 में मैंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की और स्नातक परीक्षा BA सन 2001 में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। मित्रों में बचपन से ही अध्ययन में प्रतिभाशाली रहा और जहाँ तक गीत संगीत और कविताओं का सवाल है, कविता मुझे माँ शारदे की कृपा से और मेरे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय श्री छज्जूराम जी के आशीर्वाद से मुझे मिली है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक नन्हे से विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत था, तभी से मुझे कविताओं का शौक चढ़ गया था। मैं मेरे पिताजी जो कि बहुत ही अच्छे हास्य और व्यंग के श्रेष्ठ गीतकार और साहित्यकार थे, मैं उनकी रचनाओं को ले जाता था और हमारे विद्यालय में हर शनिवार को जो शनिवार ये बाल सभाएं होती थीं, उनमें बड़े अच्छे स्वर के साथ लयबद्ध होकर के गीतों को सुनाता था। उसके बदले में मुझे पुरजोर तालियों का समर्थन मिलता था। मुझे इसी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता गया और कविता से मैं जुड़ता चला गया। साथ साथ मेरे पिताश्री हमारे कामा में जो साहित्यिक संस्थान हैं, उनकी मासिक जो साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थीं, उनमें भी वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। मैं समस्त कवि और साहित्यकारों के छंदों और रचनाओं को सुनता था, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा चलती मिलती चली गई और धीरे धीरे मैं इस काव्य और साहित्यिक रस में डूबता चला गया। मित्रों मैंने लिखना तो वास्तव में सन 2017 से शुरू किया है और मैं
अपने लेखन का पूरा पूरा श्रेय सर्वप्रथम माँ शारदे को और मेरे पूज्य पिताश्री के पुण्य आशीर्वाद को मैं धन्य मानता हूँ, जिनकी प्रेरणा से और आप सभी के आशीर्वाद से मैं निरंतर साहित्यिक सृजन और नव चेतना में उत्तरोत्तर लगा हुआ हूँ। मित्रों, वर्तमान में मैं सरकारी सेवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामा में वरिष्ठ अध्यापक विषय अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं हमारे कामबन कामा की साहित्यिक संस्थाएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कामा के महासचिव पद पर मैं कार्यरत हूँ। ब्रजवाणी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के प्रचार प्रसार मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और प्रगतिशील लेखक संघ इकाई कामा का भी मैं सदस्य हूँ। मित्रों, गत 2 वर्षों में मैंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं ब्रजवाणी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में कुंडलियां प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, दोहा प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं और निरंतर मैं माँ शारदे की कृपा से साहित्यिक सृजन में लगा हुआ हूँ। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैं तहसील कामा के उपखंड स्तर पर इस संगठन का सचिव पदभार को संभाले हुआ हूँ। स्काउट और गाइड्स के विभिन्न राजकीय एवं सामुदायिक सेवा कार्यों में जैसे कि विभिन्न सामाजिक चेतनाओं से जुड़ी हुई रैलियों का आयोजन करना, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना, गीत संगीत के माध्यम से नव जागृति एवं समाज सेवा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने में अपनी महती भूमिका में समय समय पर निभाता रहता हूँ। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी काव्यात्मक रचनाओं और साहित्यिक सृजन के माध्यम से समाज की कुरुतियों पर करारा तंज कसें और देश, युवा पीढ़ी और हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को हम नया मोड़ दें। मैं मित्रों सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। भाव और लफ्जों को अनमोल निशानी दे दो, भाव और लफ्जों को अनमोल निशानी दे दो, गंगा के पानी सी नायाब रवानी दे दो, गंगा के पानी सी नायाब रवानी दे दो, शारदे माँ मेरी बस तुमसे ये गुजारिश है, मेरे छंदों मेरे गीतों को जवानी दे दो, मेरे छंदों मेरे गीतों को जवानी दे दो। जय माँ शारदे। 2 मुक्तक माँ शारदे के चरणों में। मधुर हो स्वर मेरा साहित्य ज्ञान दे दो माँ, मधुर हो स्वर मेरा साहित्य ज्ञान दे दो माँ, नई सरगम मेरी गजलों को जान दे दो माँ, नई सरगम मेरी गजलों को जान दे दो माँ,
तेरे दरबार में अरदास लेके आया हूँ, प्रखर हो लेखनी ऊंची उड़ान दे दो माँ, प्रखर हो लेखनी ऊंची उड़ान दे दो माँ। जय माँ शारदे। और मित्रों, चूंकि मैं ब्रजवासी हूँ, एक छंद ब्रज धाम की महिमा का बखान करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। ऊंच नीच राव रंक मूढ़ गुणवान संत रटे पंडाओ महंत राधे श्याम नाम है, जप तप उपवास कथा कीर्तन रास भक्ति में मगन दास रहे आठो याम है, भक्ति में मगन दास रहे आटो याम है। दूध दही खानो न्यारो माखन को सौ कुम्हारो, दूध दही खानो न्यारो माखन को सौ कुम्हारो, फैलो है 84 कोस जग सर नाम है, चातक कु स्वाति जैसे मोर कु है प्यारो, मेघ तैसे ब्रजवासिन कु प्यारो ब्रज धाम है, तैसे ब्रजवासिन कु प्यारो ब्रज धाम है, तैसे ब्रजवासिन कु प्यारो ब्रज धाम है। जय श्री कृष्ण। और मित्रों, वर्तमान में आज का समय ऐसा आ गया है, गैया मैया की जो हमारी गाय माता है उसकी बहुत दुर्दशा हो रही है। लोग कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों को गाड़ियों में घुमाते हैं, लेकिन गाय माता की दशा की तरफ, करुण दशा की तरफ, गाय माता की सेवा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। मैं दो छंद गाय माता को नमन करते हुए पढ़ रहा हूं। गैया मैया को बखान करें वेद और पुराण, बात ई तो लगे आज कोरे उपदेश के, बड़ी बड़ी कारण में करत विहार, स्वान कसाई कु बिक रही दुलारी ब्रजेश के, कसाई कु बिक रही दुलारी ब्रजेश की, पापाचारे बने गयो घोर कल काल माए, पश्चिम की सभ्यता हु जड़ है कलेश की, सांचे भारतीय बने गोधन की रक्षा करें, गैया की भलाई ते भलाई होए देश की, गैया की भलाई ते भलाई होए देश की। दूसरा छंद गाय माता को अर्पित। ब्रह्मा विष्णु ओ महेश जाकु जपते हमेश, पूजा हुआति विशेष प्यारी अब देश की, भमत फेरे रंभाए को ना तरस खाए, लोक दई बिसराए धेनु का ब्रजेश की, लोक दई बिसराए धेनु का ब्रजेश की, खुले आम बेचे वाए मासु विदेश जाए, प्रशासन करे बात कोरे लवलेश की, गैया मैया को बचा में आओ राम राज लामे, गैया की भलाई ते भलाई होए देश की, गैया की भलाई ते भलाई होए देश की, गैया की भलाई ते भलाई होए देश की। जय हो गाय माता, जय माँ शारदे। और मित्रों, अब मैं कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ना चाहूँगा। चीन बॉर्डर पर हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं मेरी मातृभूमि को नमन करते हुए, वीर सपूतों को नमन करते हुए कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ता हूँ। मैं दुनिया से निराली एक नई पहचान रखता हूँ, मैं दुनिया से निराली एक नई पहचान रखता हूँ, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वाली आन रखता हूँ, वतन परस्ती का मुझको नशा रहता चढ़ा हरदम, वतन परस्ती का मुझको नशा रहता चढ़ा हरदम, तिरंगा दिल में और धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, तिरंगा दिल में और धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ।
दूसरा मुक्तक हमारे देश के जांबाज वीर सपूतों के नाम, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की देश हित में आहुति दे दी, मैं उनको नमन करता हूँ। एक मुक्तक पढ़ता हूँ। मैं सरेआम अपने इश्क का इजहार करता हूँ, मैं सरेआम अपने इश्क का इजहार करता हूँ। वतन महबूब है मेरा, वतन से प्यार करता हूँ। सरहदों पे लहू बहता है जब अपने जवानों का, सरहदों पे लहू बहता है जब अपने जवानों का। मैं अपनी लेखनी को यार फिर तलवार करता हूँ, मैं अपनी लेखनी को यार फिर तलवार करता हूँ। जय माँ शारदे, जय हिंद, जय भारत। और मित्रों, दो मोहब्बत से भरे हुए इंसानी फितरत आज के ज़माने में क्या हो गई है, मैं इसके संदर्भ में दो मुक्तक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपनी दुनिया अलग सब बसाए हैं क्यों, रंजो गम को दिलों में छिपाए हैं क्यों, रंजो गम को दिलों में छिपाए हैं क्यों। आदमी के हैं दुश्मन प्रखर, आदमी के हैं दुश्मन प्रखर, अपने लगते मगर सब पराए हैं क्यों, अपने लगते मगर सब पराए हैं क्यों। ना वो वादे वफा वो सितम ना रहे, वो मोहब्बत नहीं वो सनम ना रहे, वो मोहब्बत नहीं वो सनम ना रहे। वक्त के साथ बदलाव लाजिम भी है, वक्त के साथ बदलाव लाजिम भी है, तुम भी तुम ना रहे हम भी हम ना रहे, तुम भी तुम ना रहे हम भी हम ना रहे। हमारे बीच में थे पंकज जी, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।